हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से तो। एनीवेज चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज दिखाएंगे आपको कि हम अपने बालों को घना, लंबा और मज़बूत कैसे करें। तो देखिए, यहाँ हमने आधा कप पानी ले लिया है, देन उसके बाद आधा चम्मच हमने चाय पत्ती का ले लिया है और फिर हम उसको अच्छे से ना बॉयल कर लेंगे। और हाँ गाइस, ना तो इसके अंदर चीनी डालना है और ना इसके अंदर दूध डालना है, एकदम चाय जैसे बनती है ना उसी तरीके से हम इसको बॉइल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे बॉइल्ड हो रही है और देखो कितना अच्छा कलर आ गया है यहाँ पर। और ज़्यादा चाय पत्ती मत भर लेना इसके अंदर, कभी पता लग रहा है पूरी एक चम्मच भर डाली। हाँ तो गाइस, इसको ऐसे ही अच्छे से हम बॉइल्ड कर लेंगे। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा बॉइल्ड हो रहा है। एक तो ये हमारे गली वाले इतना ज़्यादा क्राउड करते हैं ना भाई, बस पूछो मत। सॉरी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही होगी, बट कोई नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ, रहना तो इस गली में ही है। खैर छोड़ो, अब देखो यहाँ हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, हमारे बालों का एक तरीके का विधि वो रेडी हो चुकी है। और देखो यहाँ हम इसको अच्छे से छान लेंगे और एक भी चाय पत्ती का टुकड़ा नहीं आना चाहिए, इसको अच्छे से छानना है। और देखिए यहाँ हमने इसको अच्छे से छान लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे शैम्पू। ये देखो कितना प्यारा कलर आ रखा है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो आप वो डालना, मैं तो खैर हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हूँ तो मैं हेड एंड शोल्डर ही डालूँगी और आपको लास्ट में मेरे बालों का रिज़ल्ट दिख जाएगा। सब कहते हैं ना मेरे से कि आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं, आप क्या करते हो ये वो, तो आज मैंने आपको अपने बालों का ट्रिक दिखा ही दिया कि मैं करती क्या हूँ, तो आपको लास्ट में दिख जाएगा। अब देखो यहाँ हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, शैम्पू को इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब कुछ नहीं है, बस इसको अब हम नहा कर इसको अच्छे से अपने बालों में लगा लेंगे। बस अब आपको इसी से ही वॉश कर लेना है सर। और अगर आपके बाल ज़्यादा ही लंबे हैं तो एक शैम्पू और यूज़ कर लेना आपने ऐसे ही इसको धोकर, ठीक है। अब आप मेरे बालों का रिज़ल्ट देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्लैक एंड शाइन कर रहे हैं और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये है मेरे बालों का राज़।